Hello friends, welcome to my YouTube channel Newtech Sagir Alam. Please like and subscribe my YouTube channel and like Facebook page. आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा खबर. बाइनेंस सिंगापुर में क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं को बंद कर रहा है. कंपनी द्वारा देश में डिजिटल एसेट एक्सचेंज संचालित करने के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण MAS के साथ अपना आवेदन वापस लेने का निर्णय लेने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेस सिंगापुर में अपने एक्सचेंज ऑपरेशन को बंद कर रहा है. बिनेस सिंगापुर ने कहा, उपयोगकर्ताओं की मौजूदा संपत्ति से क्रिप्टोकरेंसी खरीदना और बेचना 13 जनवरी 2022 से बंद कर दिया जाएगा. अगला खबर, बल्कन जाली प्लेटफॉर्म सुरक्षा उल्लंघन से ग्रस्त है. 96 वॉलेट से समझौता किया गया. सिस्टम हैक्ड. गेमिंग और NFT प्लेटफॉर्म वल्कन फोर्ज्ड को सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे हमलावरों को सेवा के कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति मिली. हैकर्स ने 96 उपयोगकर्ता पर्स पकड़ लिए और अन्य संपत्तियों के साथ साथ परियोजना के मूल टोकन 4.5 मिलियन PYR से अधिक चोरी करने में कामयाब रहे. वल्कन अब परिणाम से निपट रहा है और घोषणा की है कि यह सभी उपयोगकर्ताओं को उनके खजाने से धन की प्रतिपूर्ति करेगा. अगला खबर, नाइजीरियाई सरकार के मंत्री ने क्रिप्टो के नियमन के लिए कॉल किया. अतिरिक्त निकाय को उस भूमिका को निभाने के लिए माना. नाइजीरियाई सरकार के एक मंत्री ने देश के अधिकारियों से क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने के बजाय उन पर शिकंजा कसने पर विचार करने का आह्वान किया है. अगला खबर, मैट्रिक्स स्टार कीनो रीव्स क्रिप्टो के मालिक हैं. NFT के संदेह में कहते हैं, क्या हम फेसबुक द्वारा मेटावर्स का आविष्कार नहीं कर सकते हैं? मैट्रिक्स स्टार कीनो रीव्स ने खुलासा किया है कि उनके पास क्रिप्टोकरेंसी है जिसे एक दोस्त ने कुछ समय पहले खरीदा था. हाँ, मेरे पास थोड़ा होडल है, उन्होंने कहा. प्रसिद्ध अभिनेता ने अपूर्णीय टोकन NFT और मेटावर्स पर भी टिप्पणी की. अगला खबर, जर्मन बचत बैंक ग्राहकों को क्रिप्टो सेवाएं देने पर विचार करते हैं. जर्मनी में बचत बैंकों का एक संघ एक पायलट परीक्षण में ग्राहकों को क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करना चाहता है, जिसमें क्रिप्टो वॉलेट का विकास शामिल होगा. एसोसिएशन, जिसके 50 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, क्रिप्टो क्यूरेंसी ब्याज की एक लहर के बीच काम करेगा, जो स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति की चिंताओं और नकारात्मक ब्याज दरों से उत्पन्न हुई थी. हालांकि योजना का अभी अध्ययन किया जा रहा है और कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है. अगला खबर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो की कीमतें शून्य तक गिर सकती हैं. वित्तीय स्थिरता के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर सर जॉन कुनलिफ ने चेतावनी दी है कि बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी की कीमत शून्य तक गिर सकती है, यह देखते हुए कि क्रिप्टो उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा, हमें वास्तव में अपनी आस्तीन ऊपर करने और इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि जब तक यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए तब तक हमें वास्तव में नियामक ढांचा मिल गया है जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए. अगला खबर, बिटमेक्स के सह संस्थापक आर्थर हेस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों के लिए प्रतीक्षा करें और देखें दृष्टिकोण की सिफारिश की. बिटमेक्स के सह संस्थापक और क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशक आर्थर हेस ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी टेपरिंग प्रक्रिया के प्रभाव से बाजार की वर्तमान स्थिति को संबोधित किया है. हेस इसे चीन की एवरग्रांडे स्थिति से भी जोड़ते हैं और क्रिप्टोक्यूरेंसी नवागंतुकों को अगले साल नए संकेत आने तक बने रहने की सलाह देते हैं. अगला खबर, तंजानिया सेंट्रल बैंक के गवर्नर, क्रिप्टोकरेंसी गैरकानूनी नहीं, व्यापारियों को खुद के जोखिम पर निवेश करना चाहिए. तंजानिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने हाल ही में खुलासा किया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को गैरकानूनी नहीं बनाया गया है, लेकिन क्रिप्टो संबंधित निवेशों में डबिंग करने वालों को चेतावनी दी है कि वे अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं. अगला खबर, दुर्लभ एनएफटी
एनएफटी मार्केट प्लेस तेजोस ब्लॉकचेन को एकीकृत करता है। यूबीसॉफ्ट अंकों का समर्थन करेगा। बुधवार को अपूर्णीय टोकन एनएफटी बाजार रारिबल ने घोषणा की कि मंच अब तेजोस ब्लॉकचेन नेटवर्क का समर्थन करता है। यह कदम नवंबर के मध्य में फ्लो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ रारिबल के एकीकरण का अनुसरण करता है और एनएफटी मार्केट प्लेस अब कुल 3 ब्लॉकचेन नेटवर्क का समर्थन करता है। अगला खबर, बैंक ऑफ रूस क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से म्यूचुअल फंड को प्रतिबंधित करना चाहता है। रूस का केंद्रीय बैंक म्यूचुअल फंड को क्रिप्टो संपत्ति या संबंधित वित्तीय साधनों को प्राप्त करने से रोकना चाहता है। प्रस्ताव जो विकेंद्रीकृत डिजिटल धन पर अपने कठोर रुख के अनुरूप है, नियामक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी व्यापारिक प्रतिभूतियों से बचने के लिए आग्रह करने के बाद आता है। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।